आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर जयपुर के धानक्य में वर्चुअल समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पंडित उपाध्याय हमेशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहते थे कि भारत माता के कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को वैचारिक समर्पण के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की तरफ से हुआ, जिसकी अध्यक्षता RSS के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह ने की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छिपानी समिति की गतिविधियों के बारे में बताया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने धानक्य के स्थित राष्ट्रीय स्मारक के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्मारक की सार संभाल करने वाले स्वयं सेवकों का सम्मान भी किया गया। उन्होंने हमारी विचार पद्धति को एक दिशा दी, एक दृष्टि दी। आज भारतीय जनता पार्टी और उस समय की भारतीय जनसंघ जो अपने सारे कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, उसको विचार करने की पद्धति से लेकर के विचार की पृष्ठभूमि से दिशा और दृष्टि देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रखर वक्ता, बहुत गहरी सोच रखने वाले विचारक, मूल चिंतक, मूल विचारक थे और इसके साथ साथ नेतृत्व प्रदान करने की भी उसमें अद्भुत क्षमता थी। थॉट्स में वो बड़े क्लियर थे, विचारों में बहुत क्लियर थे। उनका मानना था कि भारत अकेला वो संस्कृति है जो जीवित है, इतने आघातों के बाद भी सबसे पुरानी संस्कृति अगर है तो वो भारत की संस्कृति है, इसको हमको समझना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी का जो नाम है, ये नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही एक परिलक्षण देने वाला नाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना का शब्द है, वो शब्द है कि इस राष्ट्र को ज्ञान आधारित समाज में, जो न्याय संगत हो, ऐसे समाज में परिवर्तित करना है। और ज्ञान का अर्थ ही अपने यहाँ पर पंडित है। डिक्शनरी में पंडित शब्द, अंग्रेजी की डिक्शनरी में पंडित शब्द ज्ञानी के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये शब्द वैश्विक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ये बहुत अच्छा अवसर राजस्थान वासियों के लिए है विशेष रूप से, और वैसे देखा जाए तो विचार परिवार के सभी के लिए, और विशेषता भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए कि आज 104वीं जन्म जयंती आदरणीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की हम लोग मना रहे हैं।